जय हिंद। हेल्थ रक्षा से मैं कविता आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, लौकी की सब्जी बनाते हुए हम इसके छिलके को यूं ही फेंक देते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि लौकी के छिलके के सेवन से न सिर्फ आप अपने चेहरे की खोई चमक लौटा सकते हैं, बल्कि इसके सेवन से शरीर में ब्लड शुगर भी मेंटेन रहता है। लौकी के छिलके में फॉलेट, विटामिन सी, विटामिन B1, 2, 3, 5 और विटामिन B6, कैल्शियम, आयरन, जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम और मैग्नीज जैसे आवश्यक तत्व शामिल होते हैं। तो चलिए, आज के इस वीडियो में मैं आपको लौकी के छिलकों की सब्जी बनाना बताती हूँ, जो कि स्वास्थ्यवर्धक होने के साथ साथ स्वाद से भी भरपूर है। इसकी सब्जी बनाने के लिए हम सबसे पहले लौकी के छिलकों को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे और उसके बाद मैंने लिया है ये मिर्ची, स्वाद अनुसार लें। अगर आपको कम पसंद है कम लें, ज़्यादा पसंद है ज़्यादा लें। और ये छोटा टुकड़ा नींबू का लिया है और ये है कलौंजी, जिसको कि हम मंगरेला भी बोलते हैं, ये कुछ इस टाइप की होती है। बस इतने से ही इंग्रेडिएंट से हम इस सब्जी को बनाएंगे। गैस पे मैंने कढ़ाही डाल दिया है। अब इसमें हम सरसों का तेल लेंगे। याद रखिए, सरसों का तेल ही लेना है, इसमें एक अच्छा फ्लेवर आता है। थोड़ा सा ही तेल लेना है, ज़्यादा तेल नहीं लेना है। और कढ़ाही को पकड़ के हम पूरी तरह से इस तरह से हिला देंगे ताकि तेल पूरे कढ़ाही में लग जाए, जिससे कि जो लौकी का छिलका हम डालेंगे वो चिपकेगा नहीं। और जब तेल से थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर निकलने लगे, यानी कि अच्छे से गर्म हो जाए, तो हम इसमें डालेंगे सबसे पहले ये मंगरेला और उसके बाद हरी मिर्च। और हरी मिर्च को थोड़ा सा पकाएंगे, चारों तरफ से इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाए, फिर हम इसमें लौकी डाल देंगे। और दोस्तों, इसमें हमने डाला है कलौंजी, जो कि डायबिटीज़ और एसिडिटी से राहत दिलाती है। और कलौंजी के इस्तेमाल से दिमागी क्षमता को बढ़ाने में भी मदद मिलता है। साथ ही कलौंजी अस्थमा और जोड़ों के दर्द में भी फायदेमंद है। और अब हम इसमें ये लौकी का छिलका डाल देंगे और इसको 4 से 5 मिनट तक हम भूनेंगे, थोड़ा सा छिलका ब्राउन होने तक, ताकि इसमें जो पानी है वो कम हो जाए, मतलब जल जाए, और इसमें एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए, स्मोकी फ्लेवर टाइप। और मैं कलौंजी के बारे में बता रही थी, तो कलौंजी में आयरन, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम और फाइबर होता है। यह अमीनो एसिड और प्रोटीन से भरपूर होता है। साथ ही साथ इसमें पर्याप्त मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं, जो कैंसर जैसी भयानक बीमारी से भी सुरक्षा प्रदान करता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये सब्जी हमारे लिए कितनी उपयोगी है, जिसे हम अनजाने में यूं ही फेंक देते हैं। डेली लौकी की सब्जी बना लेते हैं और छिलकों को फेंक देते हैं। ये छिलका पक चुका है और मैंने इसे ठंडा कर लिया है। ठंडा करने के बाद एक मिक्सर जार में डालेंगे और मिक्सर जार में डालने के बाद इसमें हम ये नींबू निचोड़ देंगे। नींबू भी आप अपने अनुसार ले सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और उसके बाद हम इसमें नमक डाल देंगे, कोई सा भी नमक डाल सकते हैं, सेंधा नमक हो या सिंपल नमक हो। मैं ये सेंधा नमक ले रही हूँ क्योंकि मैं यही यूज़ करती हूँ। और इसके बाद अगर ज़रूरत लगे तो आप थोड़ा सा इसमें पानी भी डाल सकते हैं, मैंने थोड़ा सा पानी डाला है। और इसे इस तरह से पीस लें और ये इस प्रकार की चटनी नुमा सब्जी तैयार है। देखने में ये चटनी जैसी है, बट आप इसको रोटी, पूरी, पराठे किसी के साथ भी खा सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगती है। एक बार मेरे कहने पर आप इसे ज़रूर बनाइए और खा के देखिए, छोटे बच्चों को भी खिलाइए, कोई समझ नहीं पाएगा कि ये लौकी के छिलकों की सब्जी है। और आप एक बार बनाओगे तो मेरा दावा है कि आप बार बार इस सब्जी को बनाओगे। ये सब्जी हेल्दी होने के साथ साथ काफ़ी टेस्टी भी है और बिल्कुल जीरो बजट में ये तैयार हो जाती है, क्योंकि हम लौकी का तो इस्तेमाल करते हैं पर उसके छिलकों को यूं ही अनजाने में फेंक देते हैं, जो कि लौकी से भी ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट देने वाला है। आई होप आप इस सब्जी को अपने घर में एक बार ज़रूर ट्राई करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय भारतीय।